गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की शुरू की गई पायलट योजना एफआईआर आपके द्वार का लाइव प्रसारण होशंगाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में देखा गया। लाइव प्रसारण के बाद पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष राय ने डायल 100 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एफआईआर आपके द्वार योजना के शुरू होते ही होशंगाबाद पुलिस महानिरीक्षक ने डायल 100 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईजी आशुतोष राय ने बताया कि होशंगाबाद में भी घर पहुंच एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा शुरू हो गई है। अब लोगों को थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों की शिकायत पर डायल 100 उनके घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगी। गंभीर मामलों में सूचना 100 डायल के माध्यम से संबंधित थाने को दी जाएगी। योजना शुरू होते ही जिले ने पहला मामला शराब पीकर 4 से 5 लोगों द्वारा मारपीट करने का दर्ज किया है। प्रोजेक्ट हमारा पहले से चल रहा है, उसी में ये है एफआईआर आपके द्वार। तो लोग आकर कोई रिपोर्ट आती है आएगी, वो सेंट्रल सर्वर पे ही जो कॉल आता है डायल 100 में, उसी में अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगस्त तक इसको देख रहे हैं। आज से चालू हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी और DGP साहब ने भोपाल में इसका शुभारंभ किया है। लोग जो रिपोर्ट करेंगे, अपने कॉल आएगा, वो FRV घर पे जाएगी, वहाँ पूछेगी किस तरह का है, किस तरह का कॉल आया, क्या है, और जो फिर होगा वहीं पे उसको केस रजिस्टर करके उसकी कायमी करके उसको वहीं कॉपी दे देंगे। मेरे बगल में किरायेदार है राजकुमार नरोलिया, उसने क्या है शराब के नशे में कल मेरे को मारा पीटा, तो काफ़ी चोट भी आई, लेफ्ट हैंड पे ब्लड भी निकल रहा है और फ्रैक्चर भी हो गया है। तो मैंने फिर 100 डायल को फ़ोन किया और फिर मैंने FIR दर्ज करवाई। 100 डायल को कॉल आया था, इवेंट आया था, जो मौके पे पहुंच करके फरियादी से पूछताछ किए, फरियादी से पूछताछ करके तत्काल मौके पर ही FIR दर्ज की जा रही है, जिसमें थोड़ा सर्वर में दिक्कत जा रही है, और मौके पे ही फरियादी से FIR MLC नक्शा मौका सब मौके पे ही किया जा रहा है। ये पड़ोस में रहते हैं और अचानक पुरानी रंजिश के कारण इन लोगों ने मारपीट। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।